पद गायक श्रीमान जी धबले राम जी मीणा हमारे साथ में हैं और पिछले लंबे समय से हम इनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार मालूम हो यह, लेकिन हम ग्रहण करें तो कथा पुराण शास्त्र उपनिषद जितने भी हैं सब आज के मनुष्यों के लिए बनाए हैं। उनमें वो एक अब तो घबराहट ही घबराहट है क्योंकि बुढ़ापा आ गया उन्हें, बाकी मैंने कभी गीत गाते नहीं, पानी नहीं पिया बीच में, किसी समुदाय पे ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे किसी समाज पे, किसी और जाति पे या किसी महिला पुरुष किसी वर्ग पे कुछ नुकसान हो। ऐसा आप उन दर्शकों को अच्छी अच्छी चीज़ उनके सामने पेश करें ताकि आपके चैनल देख लेगा उनका मन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर, मैं हूँ आपके साथ शिवा। साथियों आज हमारे साथ में पद गायक श्रीमान जी धबले राम जी मीणा हमारे साथ में हैं और पिछले लंबे समय से हम इनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज मुश्किल से मिले हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार ये पद दंगल में आए। और आपको बता दूं मैं, जो मीणा संस्कृति के सरताज, इन्होंने अभी तक जो मीणा संस्कृति है, जो पद दंगल है, इन्होंने थामे रखा है। कारण ये साथियों, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब लोग बदल चुके हैं और इनका भी चैनल भी है, सोशल मीडिया पर भी है और काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, लेकिन दिलों पर राज करने वाले ये धबले राम जी हैं। ज़्यादातर इनके जो पद होते हैं, सबसे ज़्यादा पद इनके सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक कथाएं होती हैं। और आज भाई हम दूसरी ओर अगर बात करें तो जो नए नए कलाकार आ रहे हैं वो एकदम नग्नता पेश कर रहे हैं, वहीं ये ग्रंथों के द्वारा आज भी लगातार लोगों के दलों पर राज कर रहे हैं। क्या कारण है वो तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ जी, देखिए सबसे पहले जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार मालूम हो। मैं धबले राम मीणा, ग्राम लालाराम का पूरा, तहसील टोडा भीम, पहले तो जिला करौली था, अब बदल के गंगापुर हो गया। बाबा हम जानने की कोशिश करेंगे, आप सबसे ज़्यादा ग्रंथों पर ही कथाएं लेकर के आते हो, तो आपने अभी तक कितने ग्रंथों की पढ़ाई किया, अध्ययन किया है? नहीं, ग्रंथों का तो मैंने बहुत किया है, पौराणिक कथाओं के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि पहले से जब मैं बचपन से गाता था तब पौराणिक कथाओं को ज़्यादा मान्यता थी। अच्छा। धार्मिक कथा सुनने वाले भी बहुत थे, अब तो खैर आधुनिकता भी चल गई और आधुनिकता पे भी हम गा देते हैं, लेकिन जब मैं शुरू हुआ था आज से करीब 58 वर्ष पहले तो पौराणिक कथाओं पे गाते थे, गांव में सब प्रचलन था। पद के अलावा और भी कीर्तन, भजन, कन्हैया गीत कुछ गांव में चौपाल पे बैठकर गाया करते थे, तो सब पौराणिक कथाओं के हिसाब से, शास्त्रों की कथा के हिसाब से गाए जाते थे। अब मैंने उसी वक्त जब गीत और कीर्तन का प्रचलन था उस पीरियड में भी मैंने इस पद को ही चुना था। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, ज़्यादातर जो कलाकार हैं उनके सभी के चैनल बने हुए हैं, तो आपका भी कोई चैनल? हाँ, चैनल है, धबले राम के नाम से चैनल है, उस पर मेरे करीब सभी 170-180 वॉल्यूम हैं। सर सबसे पहले हम जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो लोग दूर जा रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, जैसे सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है उनको छोड़ते हुए जा रहे हैं, और वहीं आप लगातार पिछले जो रामायण महाभारत उनके पीछे लगे हुए, क्या कारण है? नहीं, वो रामायण महाभारत उनके पीछे लगते हूँ, उनमें से भी आधुनिक आज के युग में शिक्षा मिलती है। अगर उनको हम आध्यात्मिक गहनता से देखें तो कोई न कोई कथा में, हर कोई कथा में कोई न कोई शिक्षा जो आज भी काम में ली जा सकती है वो ज़रूर मिलती है, लेकिन हम ग्रहण करें तो कथा पुराण शास्त्र उपनिषद जितने भी हैं सब आज के मनुष्यों के लिए बनाए हैं। उनमें वो एक उदाहरण है, एक ये प्रक्रिया है, ये क्रियात्मक ढंग से बताते हैं वो, उदाहरण दे करके कि ऐसा हुआ, ऐसा करने से बुरा होता है, ऐसा करने से अच्छा होता है, उन कथाओं को ही हम यूज में लेते हैं जिससे समाज पर कुछ असर पड़े या भगवान का नाम आए या फिर मनोरंजन हो जाए। तो आजकल के जो कलाकार हैं वो एकदम नग्नता पेश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे? वो नग्नता पेश तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं उनको कलाकार भी नहीं मानता, वे छटपट कलाकार हैं, कुछ नहीं, वे जो अश्लीलता फैलाते हैं। मेरे 180 वॉल्यूम हैं लेकिन 180 कथाओं को भाई और बहन, बेटी और बाप इकट्ठे होकर के सुन सकते हैं, ऐसी अश्लीलता नहीं है। मैं मेरी बहन, मेरी माँ को जो कथा को सुनाता हूँ वही मैं प्रोग्राम में गाता हूँ। आप स्टेज पर ही देखे गए हैं, कभी कभार आपस में आप तंज कसते हो,
उसके पीछे क्या कर रहे हैं? ये एक मनोरंजन का सौदा है, इसको पब्लिक चाहती है कि कुछ पब्लिक की मुस्कुराहट के लिए कुछ कहना पड़ता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाबा अपनी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैं पढ़ाई तो प्राइमरी हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य के बारे में तो मुझे कोई कह नहीं सकता प्राइमरी है जी। ये कहते हैं शायद ये हिंदी से बी ए में होंगे। कभी ऐसा कुछ हुआ स्टेज पर आपको घबराहट वगैरह आ गई हो या कोई दिक्कत आई हो? अब दिक्कत तो नहीं आती वैसे तो, अब तो घबराहट ही घबराहट है क्योंकि बुढ़ापा आ गया। उन्हें बाकी मैंने कभी गीत गाते नहीं, पानी नहीं पिया बीच में, मुझे कोई घबराहट नहीं थी। गीत को तो मैं ऐसा ही समझता था, मैंने 90-90 दिन 80-80 दिन लगातार गीत गाए, लेकिन मेरी आवाज़ भी ख़राब नहीं होती। नहीं, आज भी आपकी आवाज़ वैसी की वैसी रह गई है जो आज से 10 साल पहले थी, तो इसके पीछे क्या राज क्या है? नहीं, ये ऑटोमेटिक ही ऐसी है। दूसरी बात, गाने का अध्ययन सबसे अच्छी औषधि है गले की, आवाज़ की सबसे अच्छी औषधि है गाने की प्रैक्टिस करना। कुछ नशा वशा करते हो बाबा? नहीं, बीड़ी तम्बाकू सिगरेट? बीड़ी तम्बाकू तो पीता हूँ। लेकिन कलाकार आज के काफ़ी ड्रिंक करके गा रहे हैं और अनाप शनाप गा रहे हैं। ड्रंक करना, सरस्वती के मंच पर ड्रंक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सरस्वती एक ऐसी देवी है जो ईश्वर की बुद्धि की दात्री हैं, और उसी का स्मरण करने के लिए उसी के मंच पर हम शराब पी करके गाएं, तो मैं तो बहुत बुरा समझता हूँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप एक मीणांगी कलाकार हो? नहीं नहीं, मैं सार्वजनिक हूँ। अब मुझे सन 12 से राष्ट्रीय कवि और राष्ट्रीय लेखक की उपाधि है, तो एक समाज के, अगर मैं समाज के ऊपर कुछ करता तो मैं एक सामाजिक गायक माना जाता, मुझे राष्ट्रीय उपाधि नहीं मिलती। तो मैंने किसी जाति वर्ग किसी समुदाय पे ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे किसी समाज पे, किसी और जाति पे या किसी महिला पुरुष किसी वर्ग पे कुछ नुकसान हो, ऐसा मैं नहीं लिखना चाहता। तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज लोग देवी देवताओं से काफ़ी दूर जा रहे हैं, उनको मानने से भी इनकार कर रहे हैं काफ़ी लोग, तो और आप लगातार? ये तो मैं उन्हीं देवी देवताओं को मानता हूँ जो वास्तव में देवी देवता हैं जी। आज के देवी देवता भी असंख्य हैं, कोई कुछ मानता है, कोई के चित्त में काशी विश्वेश्वर, कोई के चित्त में भैरवरी माता, कोई के चित्त में कोई बसे और कोई के चित्त की जाने विधाता, अनेक देवी देवता हैं। लेकिन देवता तो मुख्य होते हैं जी। देवता, सबसे बड़ा देवता तो भगवान है जिसको हम याद करते हैं, दूसरी भगवान की जिन पर कृपा हुई जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तो हमारी गीता जी भी कहती है कि अनन्य प्रकार के देवता मानने से आदमी को पुण्य नहीं होता और कल्याण भी नहीं होता। तेतम भुक्ता स्वर्गलोक विशालम छीणे पुण्य मिटलोक बिसंति एम त्रिय धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम काम लभनते। जो मनुष्य हर किसी देवता को पूछते हैं उनका कल्याण नहीं होता है, देवता तो सच्चा भगवान ही है। धवले राम जी इस वक्त बहुत फेमस हैं, आपके पीछे जो लोग हैं वो कौन कौन हैं और आपकी किस प्रकार से मदद करते हैं? नहीं, वो तो मैंने तो गांव के साथ गाया है, गांव की पार्टी है। अच्छा जी, हाँ, घर से ही आते हैं। वैसे तो ये राग ऐसा है, कोई मित्र हो तो उसके भी बिठा लेता हूँ, बाकी मेरे तो गांव से लालारामपुरा से ही पार्टी है शुरू से। और हम अगर बजाना सीखना चाहते हैं आपसे तो कैसे सीखें? आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन हमारे पास रियाज करिए, और कोई निःशुल्क सेवा है किसी भगवान। जो नए कलाकार हैं जो आना चाहते हैं पद दंगल गाना चाहते हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी वो चाहें जो कर सकता हूँ। कैसे मदद कर सकता हूँ? उनको कविता कर सकता हूँ, उसको सिखा सकता हूँ, उसको बोलना, उसको गाना, उसको स्वर का ज्ञान कराना, ये चीज़ कौन सी है, ये कैसे गाई जाती है, सब कुछ जितना मैं जानता हूँ उतनी मदद पूरी कर सकता हूँ। हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, दर्शकों को मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपके दर्शक को अच्छी चीज़ मिलती रहे हमारे चैनल पर और उसको सुनते रहें, और आप उन दर्शकों को अच्छी अच्छी चीज़ उनके सामने पेश करें ताकि आपके चैनल देख लेकर उनका मन करे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में धवले राम मीणा जी। बने रहिए हमारे साथ में, तमाम राजस्थान के कलाकारों से मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।